नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। नवादा में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर ASUI के नेताओं ने निकाला है पदयात्रा। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर किया गया है नाराबाजी। नवादा में ASUI के नेताओं ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था कड़ाको ठीक कराने को लेकर पद यात्रा निकाला है। इस दौरान जुलूस में शामिल नेताओं ने बिहार सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया है। संगठन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह ने कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर बद से बदतर है। बिहार सरकार को इस ओर ध्यान नहीं है, जिससे यहाँ के छात्राओं खास करके महिलाओं को काफी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं एक लिए विशेष महाविद्यालय खोला जाए, साथ ही उनके लिए सरकारी हॉस्टल भी बनाया जाए तथा प्रत्येक कॉलेज के अंदर हॉस्टल का व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ के छात्र को सुविधा मिल सके। नीतीश सरकार की नाकामी के कारण पूरे बिहार के छात्र शिक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचारी एवं घूसखोरी के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाला है। उन्होंने कहा है कि चपरासी से लेकर अपराधी तक की बहाली में कमीशन लिया जाता है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ के नारे के बिहार के प्रत्येक जिला में ASUI द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ पद यात्रा निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना शराब पर ध्यान दे रहे हैं, उसका 1% भी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। अगर देते तो बिहार में शिक्षा का स्तर कुछ और होता। उन्होंने कहा है कि केरल आज शिक्षा में नंबर 1 स्थान पर है, लेकिन बिहार का स्थान सबसे निम्न है। कार्यक्रम का नेतृत्व ASUI के जिला अध्यक्ष सूरज कुमार कर रहे थे। पद यात्रा में संगठन के लोगों ने नगर भ्रमण किया है और क्या कुछ कहा है, आइए हम शांत रहेगा सब। पद यात्रा का क्या उद्देश्य? शिक्षा बचाओ देश बचाओ नारों के साथ बिहार के प्रत्येक जिला में बिहार NSUI के द्वारा पद यात्रा किया जा रहा है। हमारा प्रमुख मांग है कि प्रत्येक कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था हो, लैब की व्यवस्था हो, लड़कियों के लिए अलग से एक विश्वविद्यालय की व्यवस्था हो पूरे बिहार के लिए, और साथ में लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था हो प्रत्येक कॉलेज में। आप देख रहे होंगे कि बिहार की हालत ऐसी बनी है कि केरल शिक्षा में सबसे ऊपर है और बिहार सबसे निचले पायदान पे है। 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश जी से मैं बोलना चाहता हूँ, जितना आप दारू पे ध्यान देते हैं, उसका 1% आप शिक्षा पे ध्यान दे दीजिएगा तो बिहार में कोई व्यक्ति दारू नहीं पिएगा। बिहार गरीब माना जाता है राज, लेकिन इसी गरीब राज में बिहार के इंजीनियर सोने की थाली में खाते हैं और गरीब मिट्टी के थाली में खाता है। आखिर ये कैसा नीति है बिहार का? पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार। राजभवन पे आरोप लगाते हैं कि राजभवन से पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन क्या हालत बना दिया गया है बिहार को कि कुलपति इस्तीफा देता है कि हमसे पैसा मांगा जाता है। जिस तरीके से बाजार में सब्जी मंडी लग रहा है, उस तरीके से राजभवन में मछली मंडी लगा दिया है। ATM दीजिए, नियुक्ति पत्र लीजिए, चपरासी की बहाली से लेकर के भाई चांसलर की बहाली में पैसा लिया जा रहा है। चुन्नू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष NSUI। तो आपने देखा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ क्या कुछ बोला गया है। इसी तरह की छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ NBC 24 पर।